भोपाल नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ओवैसी मंगलवार रात भोपाल पहुंचे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को एक सिक्के के दो पहलू बताते हुए राम और श्याम कहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद ओवैसी मंगलवार को भोपाल दौरे पर रहे। उन्होंने अशोका गार्डन क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप न कमलनाथ से डरो और न मुख्यमंत्री से डरो, आप सिर्फ अल्लाह से डरो, क्योंकि संविधान में डरने की इजाज़त नहीं है। साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष कांग्रेस को एक सिक्के के दो पहलू बताते हुए राम और श्याम कहा। रोने से हमारे बच्चे जेल में जो नाजायज तौर पर डाले जा रहे हैं उनको जेल से नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने हाथ को मसलते रहेंगे और परेशान और रोते रहेंगे कि मेरा घर तोड़ दिया गया है सेंधवा और खरगोन में, मुझको कोई बचाने नहीं आया, तो याद रखो नौजवानों, तुम इस दीवाने की बात अपने जहन नशीन कर लो कि तुम जब तक जमहूरियत में सियासत में हिस्सा लेकर मजलिस के नुमाइंदे नहीं बनोगे, तुम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और अगर तुम मजलिस के नुमाइंदे बन जाओगे तो मसाइल खत्म हो जाएंगे, ना इंसाफी खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि अगर आप निचली सतह से जमीनी सतह से अपनी क़यादत को बनाएंगे तो आप अपने लिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप अपने एक नेता को तैयार करेंगे, एक लीडर को तैयार करेंगे, एक खायद को तैयार करेंगे कि जब कभी किसी की भी सरकार होगी, चाहे कमलनाथ की सरकार होगी या फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर की सरकार होगी, बताइए आज कौन आवाज उठाता है नाइंसाफियों के खिलाफ, आप बताइए कौन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश की असेंबली में आपके नुमाइंदे जरूर हैं, मगर बताओ जो बेबाक तरीके से संविधान के थे उनका एक वीडियो आज भी है जिसमें मुसलमानों से मुखातिब होकर कमलनाथ कह रहे हैं कि आप लोग खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए, खामोश रहिए। ये मिजाज कांग्रेस का हो सकता है कि खामोश रहो, ये मिजाज उन कमजोर लोगों का हो सकता है जो वक्त के हुक्मरानों से डरते हैं। मैं आपको मिजाज दे रहा हूं कि संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि जमहूरियत के दायरे में रहकर आप अपनी आवाज को उठाएंगे, नारों से नहीं बल्कि 6 जुलाई को जाकर वोट मजलिस के हक में डालकर आप मजलिस को कामयाब करेंगे तो वो खामोशी टूटेगी, वो सन्नाटा खत्म होगा और जवाब होगा कमलनाथ को, जवाब होगा भाजपा को। एक तरफ कांग्रेस हमसे कहती है कि खामोश हो जाओ, दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि आवाज अगर उठाओगे तो घर तोड़ दिया जाएगा। मैं भोपाल की सरजमीन में बरकतुल्लाह खान के जानशीनों के दरमियान में खड़े होकर भाजपा और कांग्रेस को कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा कि आप हमारी जिद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए, हमारी कोशिशों में आप अपना हाथ बटाइए, क्योंकि याद रखिए भारत जिस दौर से गुजर रहा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये हमारा वतनी अजीज है, ये भोपाल की सरजमीन जिसको दोस्त मोहम्मद खान ने आबाद किया, ये भोपाल की सरजमीन जिसको बरकतुल्लाह खान ने अपने खून से रंगा, वो बरकतुल्लाह खान जिसने अंग्रेजों को चने चबा दिए, वो बरकतुल्लाह खान जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली हुकूमत बनाई अफगानिस्तान में, और भोपाल की सरजमीन पर इस गयूर सरजमीन पर अल्लाह ने मुझे भिजाया है और मैं
पहली मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात करने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मैं बरकतुल्लाह खां के जानशीनों से, दोस्त मोहम्मद खां के जानशीनों से ये अपील करने आया हूँ कि आप, संविधान आपको ये कहता है कि आप अपनी आवाज को उठाएं। जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम जमहूरियत में अपने हिस्सेदारी को तलाश करें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।